हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरठ के देसी तड़के में। आज लेकर आई हूँ कच्चे आम से बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। इसे आप पूरा महीना स्टोर करके रख सकते हैं और खाने में बहुत ही रसीला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से बनाया गया है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ कच्चे आम लिए हैं, इन्हें धो के साफ़ कर लिया है। आम आपको बिल्कुल कच्चा लेना है, जैसे पिलपिला होता है थोड़ा पक जाता है तो उस आम का हमें यूज़ नहीं करना है। और इसे छील लेते हैं। तो सभी को मैं छील के तैयार कर लेती हूँ और छीलने के बाद इसे हमें किस तरीके से कटिंग करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको जितने भी आम का बनाना है उस हिसाब से आप सारे आम को काट के तैयार कर लीजिएगा। मैंने यहाँ 1.5 किलो आम लिया है। यदि इस टाइम आप ये रेसिपी बनाएंगे तो इस टाइम आम भी में गुठली पड़ चुकी है। यदि स्टार्टिंग की जो स्टार्टिंग में कच्ची आम भी आती हैं उसमें बीज होता है तो उसका बहुत अच्छा बन के ये तैयार होता है, क्योंकि इसमें गूदा थोड़ा कम निकलता है, उसमें प्रॉपर बहुत अच्छा गूदा निकल जाता है। तो आप वैसे बना कोई सी भी आम भी कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से हमें पीस करने हैं, बहुत बड़े पीस भी नहीं करने हैं और बहुत ज़्यादा छोटे पीस भी नहीं करने हैं। जैसे हम पनीर के पीस काटते हैं ठीक उसी तरीके से आप इसे सारे को काट के तैयार कर लीजिएगा। तो सभी को मैं काट लेती हूँ जितना मुझे बनाना है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़े पीस भी नहीं काटे हैं और बहुत ज़्यादा छोटे पीस भी हमें नहीं करने हैं। यहाँ किसी भी कढ़ाई में 2 टीस्पून पानी लेना है, बहुत ज़्यादा पानी का हमें यूज़ नहीं करना है। 200 ग्राम ली है मैंने चीनी। तो टोटल यदि गूदा मैं बताऊं तो 1 किलो के करीब ये गूदा बैठा है, क्योंकि इसकी गुठलियाँ भी काफ़ी मोटी निकल चुकी हैं। चीनी को जब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। जब ये थोड़ा मेल्ट हो जाए तो इसमें फूड कलर डालेंगे। यहाँ मैंने येलो कलर लिया है, आप ऑरेंज भी ले सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है। इसे आप ग्रीन कलर का भी बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ फ़िलहाल येलो कलर लिया है। इसमें पानी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, चाशनी बनाने के लिए केवल 2 टीस्पून ही लेना है। और जब चीनी हमारी गल जाए तो इस आंबी को यहाँ ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत से इसको पहले उबाल के बनाते हैं, यदि आप कच्चे का बनाएंगे तो ये बहुत परफेक्ट बनके तैयार होगा। इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नमक हमें नहीं डालना है। आप चाहो तो यहाँ छोटी इलायची का पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये केवल चीनी और नमक से ही परफेक्ट लगता है। तो इसे उबाल आने तक पका लेते हैं। ये जैसे जैसे उबाल आएगा पकेगा वैसे इसकी चाशनी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि जिस टाइम हम आंबी डालते हैं तो ये और ज़्यादा चाशनी लिक्विड हो जाती है। तो इसे थोड़ी देर हमें पकाना पड़ेगा। यदि मिनट में बताऊं तो 5 से 7 मिनट इसे पकाने के बाद ये बिल्कुल चाशनी परफेक्ट बैठ जाएगी, क्योंकि अभी ये पतली है। और थोड़े से ये आम के पीस फूल के मोटे भी हो जाते हैं। ये देखिए जैसे जैसे ये पकेंगे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी इस पीस में आने लगेगी। तो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, ये रखी रखी भी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ी भी नहीं करनी है हमें। इसे बिल्कुल ठंडा जब ये हो जाए 5 से 6 घंटे बिल्कुल ठंडा कर लीजिएगा और किसी भी कांच की बर्नी में इसे ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। इसमें हमें नींबू वगैरह का रस कुछ भी नहीं डालना है एक्स्ट्रा, केवल मैंने यहाँ नमक डाला है। और इसे पूरे महीने आप स्टोर करके खा सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट ये कच्चे आम का मुरब्बा बनके तैयार हो जाता है। इसका आप कलर देखिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी देखिए, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही लाजवाब ये मुरब्बा बनके तैयार होता है। तो मिनटों में बन जाता है, ज़्यादा सामान की भी हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है और पूरे महीने आप स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं, जैसे आम पापड़ खाना पसंद करते हैं ठीक उसी तरीके से ये मुरब्बा भी खाना पसंद करते हैं। तो घर में बनाइए और सबको खिलाइए। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। कल सुबह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।